तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो कि हमने GoPro भी मंगवा लिया, हमने इसका अटैचमेंट भी मंगा लिया, बट अब इसको अटैच कैसे करना है और किस तरह से इसको यूज़ पे लाएँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए A to Z कंप्लीट जो है पैकेज आ चुका है हमारे पास। GoPro मेमोरी कार्ड, माइक, ठीक है, माइक अडेप्टर और ये माइक अडेप्टर का होल्डर है, इस पर जो लगेगा इस पर GoPro, इस पर अडेप्टर और जो है माइक के लिए जाएगा। और ये है सबसे ज़रूरी, ये है हेलमेट होल्डर, ठीक है। तो हेलमेट में जो है ये लगता है हेलमेट माउंट, ठीक है। तो और बाकी सब सामान है छोटे मोटे, तो जब मैं अटैच करके दिखाऊंगा तो आपको पता लग ही जाएगा। बट इस सब के लिए जो अटैचमेंट है वो दिखाने के लिए मुझे जाना होगा थोड़ा आउटडोर, तो मैं आपको अब शूट जो है अगली आउटडोर की दिखाता हूँ, क्योंकि हेलमेट भी ज़रूरी है तो यहाँ स्पेस के हिसाब से थोड़ा कम पड़ेगा। तो बट मैं आपको यहाँ से अटैच कर लेता हूँ, देन डायरेक्ट मैं आपको हेलमेट में दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से पहले मैं जो भी इन छोटी छोटी चीज़ों को सब अटैच करके कंबाइन करके मैं यहाँ से लेके जाना चाहूँगा, फिर आपको आगे माउंट पे होल्ड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में और जल्दी से ये सब अटैच करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, क्या कैसा लगता है। ओके, तो जैसे हम सबसे पहले ले आए हैं GoPro, इसमें मेमोरी कार्ड की ज़रूरत है, फिर ये पैक हो जाएगा एक तरह से क्योंकि बैटरी इसके अंदर ही है, ठीक है। तो अभी पहले इसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं, देन इसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, तो बैटरी के लिए हमें इसको यहाँ से नीचे करना है और ये खुल गया, ठीक है। फिर ये मैंने ओपन कर लिया है और ये है कि मेमोरी कार्ड स्लॉट। तो अब हम यहाँ से मेमोरी कार्ड को डालेंगे, इससे पहले हम इसको भी अनपैकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे हाथ में मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड है सैनडिस्क का 128 GB, ठीक है। तो ये कर दिया प्रेस हमने, ओके, और ये हो गया अनलॉक, ठीक है। तो ओके, ये हो गया कंप्लीट, देन और ये है स्क्रीन गार्ड, तो जैसे अब मैंने इसको अभी रिमूव कर दिया है, तो अब फ्रंट वाला लगा लेते हैं। फ्रंट में कौन सा है,
तो इसका काम तो हो गया है, मेमोरी कार्ड जा चुका है, स्क्रीन गार्ड लग चुका है, ठीक है। तो हम लगाते जरा इसमें अब इसको, तो ये हो गया यहाँ से, ये देखिए इसका केस खुल गया है और हम लगाने वाले हैं इसको यहाँ पे। बट ओके, ये हमें इसके बिना ही लगाना होगा। गॉट इट। ओके, तो आपको ये उतारना होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है और माइक इसके साथ नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये आपको उतारना पड़ेगा। तो इसको मैं देखता हूँ कैसे है। ओके, इसको तो मैं यहाँ फिट कर ही देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसमें आ जाएगा। ओके, और बस अब इसको उतार के मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब GoPro लगाने वाले हैं इसके, इसमें मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कैसे है। तो आप यहाँ से इसको प्रेस करें, ये ऊपर आ जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको हल्का सा पुल करना है, देन देखिए ये अलग हो जाएगा। आपको डरने वाली बात नहीं है, अटैच नहीं है कहीं भी, जस्ट ये लॉक है इसमें, ठीक है। तो ये इस पर अटकता है, तो आप बड़ी ईजिली निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने दिखाया आपको, ये मैंने रिमूव कर लिया है और यहाँ से ये पूरा ब्लैंक है, ऐसे कवर नहीं रहता। ये इसका माइक के लिए और ये बैटरी और ये मेमोरी कार्ड, ठीक है, यहाँ से विजिबल होता है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देन ये इसका केस आ जाता है और आप इस ये बटन है प्रेस करेंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। देन ये यहाँ पे फंसाने के लिए, अगर आप डायरेक्ट ऐसे लगाते हो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा और कोशिश भी मत करना, बल्कि मैंने अभी खुद ट्राई किया, देन उसके बाद हुआ नहीं ये, ठीक है। तो यहाँ से एक और बटन है, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, देन ये खुद बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये है, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से ऐसे खाली हो जाता है, जिससे आपका ये पोर्शन जो है डायरेक्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना, महंगा आइटम है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा इसके अंदर समा गया। तो और ये शायद मैंने उल्टा लगा दिया था, तो ये यहाँ पे डालो यार, आ जा, ठीक है। तो ये देखो, ये इसमें फिट हो गया है और ये चला जाएगा इसके अंदर, और आ जा यार, सॉरी। देखिए भाई कैसे जाएगा, ये देखिए, ओके, ये चला गया इसमें, ये फिट है यहाँ पे और ये आपके माउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया सेट प्रॉपर, ठीक है। स्क्रीन गार्ड मैंने लगा लिया है पहले ही, आप भी पहले ही परचेज़ कर लो, ठीक है। स्क्रीन गार्ड हो गया, लेंस गार्ड हो गया, अगले स्क्रीन गार्ड, ठीक है, बिकॉज़ ये स्क्रैचेस से काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंगवाना ही मंगवाना है, क्योंकि अब इतने पैसे नहीं है कि स्क्रीन चेंज करवाते रहें या लेंस लगवाते रहें, तो इसलिए पहले आपको यही चीज़ करनी है, ठीक है। ओके, ये हो गया पूरा सेटअप तैयार, देख सकते हो सारा यहाँ बटन और ये सब है। तो यहाँ पे माइक लगेगा हमारा और अब ये सेट हो चुका है। तो मैं आपको अब मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ कि ये लगता है या नहीं, है ना, कि अगर आप, ओ वाह, देखिए अगर आप ड्राइव राइड कर रहे हो, राइड के टाइम अगर यूज़ नहीं कर रहे तो आप ये कवर कर सकते हो, ठीक है। या आपको रखना हो ऐसे तो बहुत इजी है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, ये सेट हो चुका है हमारा और ये मैंने निकाल दिया था। ये तब है अगर आप एक्स्ट्रा फ्लैश या वगैरह कुछ एक्स्ट्रा एसेसरी माइक इधर फ्लैश कुछ लगाते हो तो उसके लिए, अदरवाइज़ ये आप रख सकते हो उतार के, कहीं गिर जाएगा तो नुकसान ही है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये हल्का भी रहेगा हेलमेट के हिसाब से, तो मैं इसे साइड कर देता हूँ। और ये हमारा माइक था, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, इसको ऐसे स्क्रू की तरह ऐसा खोलना पड़ता है और इसके अंदर जो है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो है कंपार्टमेंट, ये मैं इसमें लगेगा, ये जो मैं आपको कल दिखा रहा था, ये बैटरी, इसके साथ कंपनी बैटरी देती है, तो आप इसको बैटरी लगाओ, ठीक है, ये बिना बैटरी के नहीं चलेगा। ये देखिए,
प्लस माइनस ये चला गया है, इसको आप बंद कर दो। ठीक है ओके, तो ये इस तरह से, और ये लगता है यहाँ पे आपके इस सेट में। ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है क्या? हाँ ये है ना, गुड। तो ये सेटअप हो चुका है एक तरह से, देख सकते हैं आप, ये माइक लग चुका है यहाँ पे और ये आपका माइक है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और मिली थी आपको, क्लिप। ठीक है, आपको साथ में मिलता है ये क्लिप हो गया, बैटरी हो गई और माइक कवर हो गया, कुशन होता है उसमें। तो आप ये कहाँ लगाना चाहते हो, ये कहाँ पे आएगा भाई? चलो ये आपको दिखाता हूँ बाद में। ओके, सबसे अच्छा। और हाँ, ये मैंने कवर मंगाया था बट वो इसमें इस तरह से नहीं आ सकता, जब आप इसको इस केस के बिना यूज़ कर सकते हो, या मतलब ट्राईपॉड वगैरह में लगाते हो या फिर ऐसे ही यूज़ करते हो उस ब्लॉग के लिए, तो विदाउट केस मोटर ब्लॉग में नहीं ऐसे, तो ये उसमें काम आ सकता है, गिर जाए ज़मीन पर तो ये प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आप इसके बिना तो यूज़ नहीं करोगे, ऑब्वियस है। अगर मोटर ब्लॉग कर रहे हो हेलमेट में तो ये हेलमेट के लिए केस, अदरवाइज़ अगर आपने विदाउट हेलमेट यूज़ करना है तो इसमें आप डालकर यूज़ कर सकते हो। ये सिलिकॉन का है, काफ़ी सॉफ्ट है और अगर आपका गिरता भी है तो काफ़ी बचा लेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सेटअप है। तो अब मैं आपको हेलमेट में लगा के दिखाता हूँ। ओके,